गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ वजीर एक्स पे, जिसमें जैसे मैंने कल एक परसों मैंने आपको कॉइन स्विच के बारे में बताया था कि वहाँ पे कहाँ पे क्या कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं बहुत ही आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है नॉर्मली। बट वजीर एक्स भी आप देख सकते हो। वजीर एक्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सेम ईमेल एड्रेस से वजीर एक्स एंड बिनांस, इन दो पे अपना आईडी बना लीजिए। वजीर एक्स ये है, वजीर एक्स में आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ वजीर एक्स पे, जिसमें जैसे मैंने कल एक परसों मैंने आपको कॉइन स्विच के बारे में बताया था कि वहाँ पे कहाँ पे क्या कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं बहुत ही आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है नॉर्मली। बट वजीर एक्स भी आप देख सकते हो। वजीर एक्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सेम ईमेल एड्रेस से वजीर एक्स एंड बिनांस, इन दो पे अपना आईडी बना लीजिए। वजीर एक्स ये है, वजीर एक्स में आप अपना आईडी बना लीजिए। सेम ईमेल से आप अपना केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है आपके पास। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और कोशिश कीजिए कि रेफरल लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हमें कमीशन आता है। दूसरा, जैसे ही आप वजीर एक्स में अपना अकाउंट बनाते हैं सेम ईमेल से, और केवाईसी वेरीफाइड हो जाती है, अगर नहीं भी होती है, आपका अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाता है, केवाईसी का प्रोसेस आप शुरू कर दीजिए। साथ में ही सेम ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर से आप बिनांस में भी अपना अकाउंट बना लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होता है बिनांस में बनाने का, बिनांस में अगर आपने अकाउंट बनाया और वजीर एक्स में भी, तो कल को आपको बिनांस से और वजीर एक्स में आपस में कुछ ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी ट्रांसफ़र करना है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कमीशन नहीं जाएगा। यानी बिनांस और वजीर एक्स का जो एक तरह से आप कह सकते हैं पूल है, वो आपस में फ्री है, ट्रांसफ़र पूरा फ्री है, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो एक ही ईमेल एड्रेस से, ध्यान रखिए कि एक ही आईडी से सब कुछ, इधर भी सेम वही भी। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं कि जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, ये जो वजीर है इसका मेन पेज है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये टॉप कॉइन्स, जो टॉप, जैसे अभी बिटकॉइन टॉप पे है, शिबा फैंटम एंड क्रोमिया सेलर नेटवर्क, ये सब आप देखोगे तो ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो इनको आप इस पे यहाँ पे रखते हो ना, तो आपको ये वाले बाई कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। यानी लोग इन वाले में, यानी जहाँ पे आप क्विक बाई में आते हो ना, क्विक बाई में जो टॉप 5 दिख रहे हैं, मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा कि उन स्टॉक को पह मतलब उन क्रिप्टो करेंसीज को आप थोड़ा सा ऐड कर लो जो भी यहाँ पे भी आते हैं, क्योंकि यहाँ वह जो रहते हैं उन पे बहुत ज़्यादा पब्लिक अपना पैसा लगाती है, और जब पैसा पब्लिक लगाती है किसी भी करेंसी पे, तो उसकी वैल्यू हमेशा हाई होती है। सेकेंड आता है एक्सचेंजेस। यहाँ पे आप एक्सचेंज पे आओगे, मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज में आता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट है, फिर वॉल्यूम है, फिर प्राइस है। अब देखो ये प्राइस है, प्राइस वाइज है, फिर आपको चेंज दिखता है सबसे लास्ट में टॉप कॉर्नर पे, राइट। आप यहाँ पे भी जब चेंज को डबल दबाते हो, तो एक बार आपको सबसे नेगेटिव वाले से शुरू करेगा, एक बार सबसे पॉजिटिव। मैं क्या करता हूँ हमेशा, जब भी मेरे पास कमर्शियल पैसा आता है कुछ, तो मैं यहाँ पे जो सबसे टॉप पे, जैसे ICP अभी टॉप पे दिख रहा, मैं इसको ऐड कर लूँगा कुछ पैसे का, और सबसे नीचे जैसे रून दिख रहा, RUNE, मैं उसको ऐड करता हूँ। उससे क्या फ़ायदा पड़ता है कि ये ग्रोइंग कॉइन्स हैं, इनका प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है आज के टाइम पर पैसा ना मिले। मैं चार्ट के हिसाब से देखो, हमेशा सबसे अच्छा सजेशन तो कि आप चार्ट और इसके हिसाब से आप बाई करो, बट अगर आपको उतना टाइम नहीं है, तो आप ये दो तरीका अपना सकते हो जो मैं अभी अपना रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला इससे, तो मैं इनको लेके रख लेता हूँ, लेकिन हाँ छोटा अमाउंट ही रखता हूँ, मैक्सिमम 1000 रुपीज़, मैक्सिमम 1000 रुपीज़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली
10 से 12 डॉलर, $15 के करीब होता है। ठीक है, मैं ये लेके रख लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखते हो, ऑर्डर, ऑर्डर में जो भी आप खरीदते बेचते हो वो यहाँ पे रहता है। और फिर आपका फ़ंड, यानी ये आपका फ़ंड है, जो आपका स्टॉक है, आपके क्रिप्टो करेंसी हैं। टोटल आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी हैं, कितने प्राइस है, उसके हिसाब से। अगर आप BTC देखो, मेरे पास BTC सबसे ज़्यादा है, 1475। यहाँ पर मैंने आपको बोला क्या कि अब मैं 1000 रुपये का खरीदता हूँ मैक्सिमम। 1000 रुपये का खरीदा, जैसे अभी वो 1475 हुआ है, तो डेफिनेटली है कि मुझे ये बेचना है। ये 40% प्रॉफिट में चल रहा है मेरा BTC, तो मैं 40% प्रॉफिट बेच के वापस यहाँ यहाँ वाले कॉइन, और फिर यहाँ वाले टॉप एंड लो वाले कॉइन, यानी छः, एक देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 8, यानी मिनिमम 8000 रुपये जब मेरे इसमें आ जाते हैं बैलेंस में, तभी मैं इन पे 1000 1000 रुपये के सभी कॉइन खरीद लेता हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि मुझे पता चलता है कि कौन कितना जा रहा है और कितना जाना है, कितना करना है। बाकी इसमें बहुत कुछ रहता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपका इनका टेलीग्राम चैनल है इनका, वहाँ पे भी काफ़ी अपडेट आते रहते हैं, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ट्रेड सेटिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे इनवाइट एंड अर्न ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे तो इनवाइट एंड अर्न ही मैं बोलूँगा कि आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं है तो रेफ़र करना शुरू कर दीजिए अपनी ID लगा के। मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, मेरी ID से आप ज्वाइन कर लीजिए और उसी से आप आगे बढ़ते जाइए। आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसे आते जाएंगे। अभी आप देखेंगे तो 82 रुपये, 82 रुपीज़ मैंने केवल रेफरल से कमाए हैं, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा रेफ़र भी नहीं करता। कई फ्रेंड्स ने किया है, ज्वाइन किया है, 4 5 फ्रेंड्स हैं, उनका रेफरल के थ्रू मुझे इनकम मिल रही है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। एंड मेरा रेफरल ID कोड जो है वो आप मत भूलिएगा, यही है NUG7388, ये कभी मत भूलिएगा, इसको भी डालिएगा अगर आप मेरे रेफरल से ज्वाइन करते हैं वजीर एक्स। तो दोस्तों, आप सबका धन्यवाद वैल्यूबल टाइम देने के लिए। और क्रिप्टो करेंसी में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव 1000 रुपीज़, 500 रुपये आप शेयर मार्केट में डालिए, सॉलिड शेयर मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर खरीदिए। 300 रुपये उसमें से, मतलब 100 रुपये, 300 रुपये आप FD कर दीजिए, क्योंकि कल को लिक्विड होगी। ये परसेंटेज वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं, 1000 को 10000 का, 10000 का 1 लाख का, 1 लाख का 2 लाख का, 10 लाख का, आपका जो आपके पास जैसे बजट है उस हिसाब से ही इसको चूज़ कीजिए। तो 50% आपको शेयर मार्केट में डालना है, जो भी पैसा आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है। 30% आपको FD रखना है, यानी लिक्विड मनी, कल को कुछ इमरजेंसी पड़े तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। 10% आपको जैसे वजीर एक्स है, बिनांस है, ये जो भी एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसीज, आपको बाई करनी है 10% से। और बाकी बचे 10% से आप मेरे चैनल पे, जैसे कई स्कीम प्लान्स हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता है, अच्छा खासा सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बट कभी भी वो जा सकते हैं। तो बेटर है वो 10% आप उसमें जा दिए, क्योंकि उस 10% से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, 90% फिर भी आपके पास रहेगा। तो मेरा डिविजन वैसे ही है, तो फिर वैसे ही कर लीजिए। तो इतना ही कहना था मुझे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में मैं यही कहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो।